स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल न्यू हॉरिजन पर। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्रीपोजिशन का मींस क्या होता है और इसका हम यूज कैसे करते हैं। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट शो अ कनेक्शन बिटवीन अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अदर वर्ड के साथ किसी प्रकार का कनेक्शन शो करते हैं। मोस्ट प्रीपोजिशंस आर लिटिल वर्ड्स लाइक एट, इन एंड ऑन। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स सच एज आउट ऑफ एंड ऑन टॉप ऑफ। देखिए जो प्रीपोजिशंस है छोटे छोटे वर्ड्स के रूप में भी हो सकते हैं, एट, इन एंड ऑन के रूप में। इनके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो ग्रुप्स में होती हैं एज लाइक आउट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन और एडवर्ब। देखते हैं प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड आइदर एज प्रीपोजिशंस और एज एडवर्ब्स। कुछ जो वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब दोनों के रूप में ही यूज किए जा सकते हैं। इफ द वर्ड इज फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। यदि किसी वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तब क्या यह प्रीपोजिशन कहलाता है। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ एग्जांपल्स इन ईच ऑफ द सेंटेंस मार्क्ड प्रीपोजिशन। इन सभी में क्या हमने प्रीपोजिशन बताया है। देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर द प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद वहां पर एक नाउन या प्रोनाउन आया है इसलिए वो प्रीपोजिशन है। दिस नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और ये जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नोटिस दैट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिंटेड इन कलर। और ध्यान दें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लू कलर में है। ठीक है, She put her hand inside my bag. इसमें देखिए She put her hand inside. इसमें जो inside जो word है ये आपका preposition है और ये follow किया जा रहा है एक noun के द्वारा, इसलिए ये जो word है वो आपका क्या है, preposition है। ये simply पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, next देखते हैं It was raining. जो बारिश हो रही थी so they decided to stay inside. इसमें देखिए ये adverb है। अब देखिए यहाँ पर जो इनसाइड वर्ड था इसके बाद में एक नाउन आ रहा था इसलिए क्या ये प्रीपोजिशन था। यहाँ पर इस इनसाइड के बाद, ठीक है, इस वर्ड के बाद यहाँ पर कोई भी क्या चीज़, यहाँ पर एक भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है इसलिए सिंपली क्या है, एडवर्ब है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सेंटेंस में इनका डिफरेंस पता चल गया होगा, प्रीपोजिशन और एडवर्ब का। नेक्स्ट देख लेते हैं और हिज फ्रेंड्स वॉक past him without speaking। यहाँ पर देखिए जो past word है preposition का काम कर रहा है क्योंकि ये अपने बात क्या एक noun यानी कि pronoun के रूप में ले रहा है। ठीक है, ये जो है noun है, जो pronoun है वो objective case में ही, जो pronoun होता है इसका objective case him होता है, sorry ये pronoun है। ठीक है, गलती से type हो गया है। next देख लेते हैं एक car drove past at high speed। यहाँ पर देखिए ये जो past word है, ठीक है, ये अपने बाद में कोई भी नाउन नहीं ले रहा है, इस कंडीशन में ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स आप इनको देख सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रीपोजिशंस हैं उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है तो उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ऐसे प्रीपोजिशन जो प्लेसेस के बारे में हमको बताते हैं या फिर हम प्लेसेस से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखते हैं सम प्रीपोजिशंस शो वेयर समथिंग हैपेंस। कुछ प्रीपोजिशंस हैं हमको बताते हैं कि कोई काम है वो कहां पर हुआ है। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एग्जांपल है सैली वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। यहाँ पर देखिए जो सिटिंग जो एक्शन है वो ट्री के अंडर में हुआ है इसलिए जो अंडर जो वर्ड है आपका प्रीपोजिशन है। और हमारा एक रूल कहता है कि देखो अब क्योंकि ये प्रीपोजिशन हम इसको और ज्यादा वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद क्या एक नाउन आ रहा है, इस कंडीशन में ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। देयर्स अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ द कार्पेट। यहाँ पर अगेन अंडरनीथ है जो आपका प्रीपोजिशन है क्योंकि ये अपने बाद में क्या ले रहा है, एक नाउन ले रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं Some geese flew over their house. Over यहाँ पर अगेन आपका प्रीपोजिशन है क्योंकि यहाँ पर जो deer house है वहाँ पर noun का काम कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे examples आपको दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है once again तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखते हैं सम प्रीपोजिशन शो व्हेन समथिंग हैपेंस। कुछ प्रीपोजिशन हमको यह बताते हैं कि कोई काम कब हुआ था या कब हुआ है। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। इनको हम क्या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। एज लाइक स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। देखिए यहाँ पर एट जो वर्ड है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये 9 o'clock है, एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रीपोजिशन है वो एट वर्ड कहलाएगा। आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ठीक है, देखो द मॉर्निंग नाउन है आपका, नाइट भी नाउन है, और यहाँ पर जो इन है एंड एट है वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का काम कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, अगेन आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। सम प्रीपोजिशन शो वेयर समथिंग इज गोइंग। कुछ प्रीपोजिशन से हमको यह बताते हैं कि कुछ जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे किस तरफ कहाँ जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एज लाइक द बॉल्स चेज आफ्टर ईच अदर, द फुटबॉल रोल डाउन द हिल, अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक। ओके, द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी। आप देख सकते हैं सभी जो प्रीपोजिशंस हैं जो डार्क लेटर्स में लिखे हुए हैं वो आपके सभी प्रीपोजिशंस हैं, और आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सभी अपने बात का एक नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप इनको देख सकते हैं, और इनके अलावा ऐसा नहीं है कि आप अपने तो यही एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने नोटबुक्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं और जो आपको कि स्कूल में कराए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, और या आपके जो इंग्लिश ग्रामर्स की बुक्स हैं उनमें भी आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीपोजिशंस विद स्पेशल यूजेज। अब जो प्रीपोजिशंस हैं उनके कुछ स्पेशल यूज क्या होते हैं वो देखते हैं। मैनी प्रीपोजिशंस आर यूज इन अदर वेज, हेयर आर सम ऑफ देम। देखिए यहाँ पे जो ऑफ जो वर्ड है उसका क्या क्या यूज किया जा सकता है। आई बॉट अ बैग ऑफ राइस एंड अ क्वार्ट ऑफ मिल्क, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, कैथलीन इज अ मेंबर ऑफ द चेस क्लब, आई नीड 3 pieces ऑफ पेपर, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन माई क्लास लाइक स्कूल, देयर आर सेवरल वेज ऑफ कुकिंग मीट। देखिए यहाँ पर जो इन सभी सेंटेंसेज में यहाँ पर जो ऑफ का जो मीन का की का जो हिंदी का वर्ड होता है कैसे कबूतर और उस पर आकी मात्रा मीस का बड़ा वाला का, ठीक है, उसका मीन दे रहा है का यानी कि आई बॉट अ बैग ऑफ राइस, मैंने एक राइस का बैग खरीदा, एंड अ क्वार्ट ऑफ मिल्क, और मिल्क का क्या एक पैक खरीदा, पैकेट खरीदा, ठीक है, पाउच खरीदा। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, क्या आप ऑरेंज जूस का एक ग्लास लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो का वर्ड है वो डिफाइन कर रहा है ऑफ वर्ड, ओके। तो आपका यहाँ पर ये ऑफ है जो प्रीपोजिशन वर्ड है। नेक्स्ट आपका 4। आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम, इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट, आई वुड लाइक अ न्यू कंप्यूटर फॉर क्रिसमस, वी आर गोइंग डाउन टाउन फॉर अ मीटिंग, व्हाट दिस बैग फॉर, दिस वर्ड इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पेल। यहाँ पर जो वर्ड है वो हिंदी में के लिए, जो वर्ड होता है के लिए, उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। एज लाइक देखो आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम, मैंने ये जो बुक मार्क है मेरी मॉम के लिए बनाया है, ठीक है। तो के लिए जो वर्ड है यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है आपका 4 जो आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है आपका विद। देखिए ही पाउंड्स नेल्स इन विद अ हैमर, मिक्स द फ्लोर विद वाटर, सी पेंटेड द पिक्चर विद अ न्यू पेंट्स, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द आर्केड, आई कैन डू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद हेल्प फ्रॉम मॉम, Who is the man with the beard? Michael came home with dirty hands, crossed the busy street with care. यहाँ पे जो with का मतलब है साथ में है, साथ में, ठीक है। तो आप इसका जो मीन निकाल सकते हैं easily, और जो with जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन कहलाता है, और ये सभी एक नॉर्मल प्रीपोजिशन की तरह ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हालांकि, और ये सभी अपने साथ ये क्या एक नाउन प्रोनाउन ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका एक्सेप्ट एंड इंस्टीड ऑफ। देखते हैं आई लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड एक्सेप्ट पास्ता, यहाँ पर जो एक्सेप्ट का वर्ड है छोड़कर यानी कि इसको छोड़कर, और इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है इसके अलावा, ठीक है। तो आई लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड एक्सेप्ट पास्ता, यानी कि मैं सभी प्रकार का खाना पसंद करता हूँ पास्ता को छोड़कर, ठीक है।
एवरीवन लाइक्स चॉकलेट एक्सेप्ट टॉम, सब हर कोई चॉकलेट को पसंद करता है सिर्फ टॉम को छोड़कर। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ऑफ का देख लेते हैं। यू शुड ईट फ्रूट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंडी, यानी कि आपको क्या फ्रूट खाने चाहिए कैंडी के बजाय। ठीक है, कैंडी को छोड़कर या कैंडी के बजाय आपको क्या फ्रूट खाने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका लाइक एज एंड देन, तो लाइक एज एंड देन का जो यूजेस क्या होते हैं, द वर्ड्स लाइक एज एंड देन आर यूज टू कंपेयर थिंग्स, ये क्या चीजों को कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं। कैथरीन लुक्स लाइक हर डैड, जो कैथरीन अपने डैड की तरह लगती है, यहाँ पे लाइक कंपेयर करने के लिए किया जा रहा है कि डैड और कैथरीन के अंदर कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है, एज लाइक इसी तरह देखो, नॉर्मली भी क्या है जो आपको जो लाइक है और एज है, सो एज भी है। ठीक है, ये कंपेरिजन के लिए काम में आते हैं। और दी शूज द सेम एज दोज, क्या ये शूज भी उन्हीं शूज की तरह ही है, तो कंपेयर किया जा रहा है इसमें। सू इज नियरली एज टॉल एज द टीचर, जो सू है वो भी क्या लगभग टीचर जितनी ही लंबी है, तो कंपेरिजन किया जा रहा है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशंस विद एडजेक्टिव वर्ब्स और नाउंस, अब जो हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या इसी का ही है, सब पार्ट है, इसको देख लेते हैं इसका जो यूज क्या है। प्रीपोजिशंस आर यूज विद सम एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस है कुछ एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज किए जाते हैं। द एडजेक्टिव इन दीज एग्जाम्पल्स आर प्रिंटेड इन कलर। ओके, डैड वॉज एंग्री विद अस, यहाँ पर देखो एंग्री, अफ्रेड, इंटरेस्टेड, गुड, ये सभी के आपके एडजेक्टिव हैं। और उसके बाद वहाँ पर क्या आपको प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है, और उसके बाद भी आप पहचान सकते हैं यहाँ पर क्या एक नाउन या प्रोनाउन आपको लास्ट में सेंटेंस के मिलेगा, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, तो आप इजीली इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका एडजेक्टिव है और कौन सा आपका वर्ब है, नाउन है, और कौन सा आपका प्रीपोजिशन है। कोई सभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है मिस्टर ली इज प्लीज्ड विद अवर वर्क, और यहाँ पर देखिए अवर वर्क जो आपका नाउन है, उससे पहले आपका प्रोनाउन है, और उससे पहले आपका क्या एडजेक्टिव है, तो आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशंस आर यूज विद सम वर्ब्स, जो प्रीपोजिशन है कुछ वर्ब के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। द वर्ब्स इन दीज एग्जांपल्स आर प्रिंटेड इन कलर, सॉरी आई एम लुकिंग फॉर माय पेंसिल, हैव यू सीन इट, आई एम लुकिंग, देखिए सब कुछ वर्ब्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माय पेंसिल, यानी कि देखो आई एम लुकिंग यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, उसके बाद जो फोर जो वर्ड है आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पर नाउन दिया गया है आपको, तो ये क्या हो गया आपका जो फोर जो वर्ड है आपका हाईलाइट किया गया है, वो आपका प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, डज दिस बुक बिलोंग टू यू, यहाँ पर देखते हैं ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या वर्ब है बिलोंग, और उसके बाद टू यू, यानी कि ये जो आपका जो वर्ड है प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये अपने साथ में क्या ले रहा है, बाद में प्रोनाउन ले रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद सम नाउंस, प्रीपोजिशन कुछ नाउंस के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। द नाउंस इन दीज एग्जांपल्स आर कलर में ही प्रिंटेड है। व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब देखते हैं ये आंसर है, रीजन है, मैटर है, एग्जाम्पल है, ये आपके सभी क्या है नाउन है। ठीक है, और उस ये अपने बाद क्या प्रीपोजिशन ले रहे हैं, और अपने बाद भी क्या ये अपने नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इजीली इनको पहचान सकते हैं कि ये आपका प्रीपोजिशन जो वर्ड है आपका कौन सा है। मैं आपको इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई हाई लेवल के एग्जाम्स में जब आपके सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि प्रीपोजिशनल वर्ड कौन सा है, फ्रेज कौन सी है, और आप इजीली उनको प्रीपोजिशन वर्ड को कैसे पहचान सकें। तो मेरी कोशिश ये है कि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो ये कुछ नीचे एक्सरसाइज हैं जो मैंने बहुत ही मेहनत से टाइप की थी यहाँ पर, तो आप इनको अपना ये जो वीडियो है उसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो आप इनको देख लें अच्छे से, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं जल्दी से जल्दी आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यदि आपको हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ
इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।